The poem which we are going to discuss today, name is Amanda, written by Robin Klein. So you tell me, how many students are scolded again and again at home? कितने बच्चे हैं जो मान जाते हैं? Those who feel bad when they are scolded. How many? Tell me. Richa is scolded again and again by her parents. रिचा को डांटना पड़ता है एंड शी फील्स दैट नो वन शुड स्कोल्ड हर शी इज ओल्ड इनफ टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ इज दैट सो तमन्ना तमन्ना आई थिंक तमन्ना को किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है तमन्ना सारे काम अपने आप करती है एंड नो वन स्कोल्ड्स हर एक्चुअली नो नीड टू स्कोल्ड हर Am I right? Yes, sir. That's very fine, exactly. This girl, Amanda, she is scolded by her mother again and again because she doesn't listen to her mother and no, she is not paying heed to the words of her mother. She is in her own imagination. So we will read about her, how she feels, what she imagines, what is her mother What is her mother telling to do? Mother क्या कहती है छोटी छोटी बातें हैं जो हम करते हैं उतनी ही चीजें हैं बस और उसकी अपनी अलग इमेजिनेशन है She has her own imagination. Okay. So let us start. Before we read, let us read its beginning actually. कि every child feels that she, he is controlled and instructed not to do one thing or the another. One thing or the another means कोई ना कोई एक एक नहीं तो दूसरी चीज किसी ने किसी चीज के लिए they are scolded not to do है ना ये मत करो वो मत करो and they are controlled actually who controls obviously parents उनको control करते हैं you too may feel that your freedom is curtailed means when your freedom is taken away जैसे आपकी freedom को आपसे छीन लिया गया है write down some of the things you want to do जो आप चाहते हो बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू डू है ना वो अलाव नहीं करते हैं बिल्कुल अलाव नहीं करते हैं आप चाहते हो सुबह जब आप सो जाते हो रात को तो सुबह जो ना जब तक अपने आप आंख ना खुले यू मस्ट नॉट गेट अप है ना उठना ही नहीं है सुबह तो चाहे कुछ कितनी भी चिल्लाए कितना भी उठना नहीं है सुबह की नींद इतनी अच्छी है इट्स रियली वेरी स्वीट स्लीप इन द मॉर्निंग There are so many. When it comes to eating also, you want to have chocolates, you want to have ice creams. बहुत पता नहीं क्या क्या बस खाना है मतलब पेट भरते जाना है. Taste के पीछे भागते होते हैं. तो you also make a list. देखना आप क्या चाहते हो करना और parents क्या कहते हैं. To read the poem aloud, form pairs. ये instruction आप लोगों के लिए. Each reading alternates stanzas. You are in for surprise. ये भी कुछ ऐसा ही है जैसा कि आप सोचते होंगे ठीक है तो अमांडा नाम की लड़की है एंड व्हाट डज शी थिंक व्हेन हर मदर स्कोल्ड्स हर व्हाट डज शी थिंक एंड व्हाट डज हर मदर टेल हर टू डू मदर क्या कहती है देखो डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमांडा ये हॉन्च क्या होता है जैसे मैं सी मी आई एम सिटिंग लाइक दिस अगर मैं ऐसे हो जाऊं बिल्कुल ये कंधे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बैठते हम लोग जैसे सम स्टूडेंट्स एज इफ दे हैड नो बोन एक्चुअली ऐसे बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं सो दिस इज नॉट अ गुड हैबिट इट्स बैड हैबिट सो शी सेज डोंट हंच योर सोल्जर्स अपने सोल्जर्स को शोल्डर्स को हंच नहीं करना है ऐसे नहीं करना है ठीक है और ये नाइफ नेल बाइटिंग पता नहीं क्या टेस्टी लगता है बच्चों को सम ऑफ द स्टूडेंट देयर इन द हैबिट दे डोंट नीड नेल कटर उनको तो नेल कटर की जरूरत नहीं है नेल क्लिपर की जरूरत नहीं है वैसे ही खा जाते हैं पेट में चला जाता है सारा पता नहीं कैसी मशीनरी है अंदर पता नहीं नाखून भी हजम कर देती बट इट्स अ बैड हैबिट एक्चुअली मदर सेज डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा स्टॉप दैट स्लाउचिंग मतलब ऐसे रिलैक्स होके बिल्कुल ऐसे झुक के बैठना स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट सीधे बैठो सिट अप स्ट्रेट अमांडा बार बार कह रही है अमांडा सुन नहीं रही
Now Amanda is not paying heed to her. Next stanza is in bracket. ये bracket में actually this is not part of the poem. Maybe part of the poem, but ये कहा नहीं गया है. ये कहा गया है, ये भी कहा गया है, लेकिन ये वो सोच रही है. This is her imagination. ये जो bracket में मिलेगा आपको, this is imagination of Amanda. This is what Amanda imagines. तो वो क्या सोचती है देखो कि there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me. A mermaid drifting blissfully. Blissfully means बड़ी खुशी के साथ में. वो सोचती है, imagine कर रही है कि emerald sea के अंदर color है, जैसे समुद्र का दूर से रंग दिखता है, तो that is emerald. वो कहती है कि उस sea के अंदर है ना, एक languid sea, lazy sea, क्या है, एक sole inhabitant है. Soul मतलब अकेली inhabitant, और वो मैं हूँ, मतलब काश मैं होती. Imagine करती है mermaid. Mermaid क्या, एक imaginary figure होती, you will find in fairy tales. जिसका मुंह तो लेडी लड़की की तरह होता है और नीचे का सारा शरीर मछली की तरह होता है, टांगे नहीं होती. मर्मेड यू मस्ट हैव सीन इन मूवीज आल्सो, मूवीज में आमतौर पे दिखाया जाता है. तो ये शी इमेजिन्स कि काश मैं एक मर्मेड होती, एंड आई वुड बी द सोल इनहैबिटेंट. इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट का मतलब होता है रेजिडेंट, है ना, पूरे सी की मैं खुद अकेली होती, वहां पे मैं ही रेजिडेंट होती और वहीं रुकती मैं. ठीक है, लेजिली यहाँ वहां ब्लिसफुली बड़ी खुशी के साथ इधर उधर घूमती, कोई भी क्या नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता. यहाँ कौन डिस्टर्ब कर रहा है, मदर डिस्टर्ब कर रही है. ठीक है, अब मम्मी भी कहाँ मानने वाली है, जब तक बच्ची मानेगी नहीं मम्मी भी नहीं मानेगी. तो मम्मी फिर से डांट देती है और क्या कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, काम किया, होमवर्क किया. Did you tidy your room? Tidy करना होता है arrange करना, properly उसको set करना. Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes. और मैंने तुझे ये भी कहा था कि जूते अपने साफ करके रखो. लेकिन क्या उस Amanda को तो जूते dirty अच्छे लगते हैं, रेत से भरे हुए, कोई पूछे नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, है ना. So here again, mother is scolding, हम कह सकते हैं instructing, instruction दे रही है वो, instructing Amanda to finish her homework, to tidy up her room and to clean her shoes. अब फिर से Amanda को बुरा लगेगा. Amanda again she will imagine something else, but she is not paying heed to anybody. Amanda और आगे सोचती है, देखो ये उसकी imagination है, वो क्या सोचती है कि I am an orphan roaming the street, कि काश में क्या होती, orphan होती, orphan को जिसके parents नहीं होते, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है. कि I am an orphan roaming the street, roaming मतलब घूमना, roaming the street. I pat in soft dust with my hushed bare feet. Bare feet मतलब जूते चप्पल कुछ नहीं पहने, नंगे पैर है, रेत के ऊपर patterns बना रही है. patterns कैसे बनाते हैं, गीले रेत के ऊपर जब आप चलते हो या सूखे रेत पे, तो पैर के निशान बनते हैं, है ना. ये बच्चे कब करते हैं, when they do it, they do when they play. जो रेत में खेलते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है, कोई भी पैटर्न बनाओ रेत के अंदर. तो वो सोचती है कि काश मैं एक ऑफन होती, ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट मेकिंग पैटर्न्स ऑन द डस्ट, रेत पे मैं पैटर्न्स या निशान पैर के बना रही होती, वो भी बेफिट होके. द साइलेंस इज गोल्डन, और वहां कोई कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं करता, साइलेंस इज गोल्डन वहां की जो, और साइलेंट होता चारों तरफ, बड़ा अच्छा लगता. द फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम कितनी अच्छी है, कितनी मीठी आजादी, यानी शी वुड बी एंजॉइंग फ्रीडम देयर. फ्रीडम को एंजॉय कर रही होती, कोई भी उसको मना नहीं करता. ऑफन है उसको कौन कौन बोलेगा, बिकॉज देयर इज नोबडी टू टेल हिम, कोई भी कुछ भी करने के लिए उसको कुछ नहीं कहेगा. एंड मेरे हिसाब से उसको वो साइलेंट भी रह सकती है, साइलेंस में चारों तरफ पीस और फ्रीडम होगी, अनलिमिटेड फ्रीडम होगी, कुछ भी करो, फ्रीडम इज स्वीट. एक्चुअली यहाँ पे अगर हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट पोएटिक डिवाइस, तो हमारे पास यहाँ पे इसमें क्या पोएटिक डिवाइस हो सकता है, यहाँ पे क्या पोएटिक डिवाइस हो सकता है, ये है मेटाफर. इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे We will call it metaphor. समझ में आ रहा है बेटे, या मैं स्क्रीन से बात कर रहा हूँ, are you getting what I'm saying? Yes, sir. Metaphor.
कहाँ है मेटाफर? मेटाफर वो होता है जब हम कोई कंपैरिजन करते हैं, तो देखो फ्रीडम और स्वीट मिठाई के बीच में, फ्रीडम कैसी होती है? स्वीट होती है, तो ये मेटाफर है। ठीक है, आगे चलें। साइलेंस इज गोल्डन, तो साइलेंस को गोल्ड कहा इन्होंने, यानी गोल्ड से कंपेयर किया साइलेंस को, तो अगेन दिस इज मेटाफर। क्लियर? इसमें रिपीटेशन भी है, बार बार जो चीजें रिपीट हो रही हैं, कौन कौन सी चीजें रिपीट हो रही हैं? जो चीजें रिपीट होंगी बार बार, तो हम उसको बोलेंगे रिपीटेशन। तो ये अमांडा जो वर्ड है, ये बार 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 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब उसको रोका, डांटा मम्मी ने, लेकिन फिर उसने क्या सोचा, अब देखते हैं। सो अगेन सी इट स्टूडेंट्स, देखो, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? होमवर्क भी हो गया है, बट अगेन जब वो होमवर्क के लिए कहती है तो क्या सोचती है कि वो क्या होती? ऑफन होती। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन मदर इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू हर कि डोंट ईट दैट चॉकलेट, चॉकलेट मत खाओ अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने, देखो तुझे एक्ने हो गए थे पहले भी चेहरे के ऊपर, याद रखो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या मेरी तरफ देखोगे? बच्चे क्या करते हैं, नीचे नीचे गर्दन कर लेते हैं फटाक से, मम्मी पापा बोलते रहते हैं, है ना, जैसे मैं स्क्रीन से बात कर रहा हूँ, सब बच्चों ने, आप लोगों ने अपने स्क्रीन ऑफ कर लिए हैं, है ना, आपके चेहरे दिखते नहीं और मैं स्क्रीन को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही पेरेंट्स भी बात करते रहे आपके माथे से, आपके सिर से, क्योंकि गर्दन नीचे होती है, नजरें भी नीचे होती है। तो हियर मदर सेज टू हर डॉटर टू लुक इनटू हर आईज टू हैव एन आई टू आई कॉन्टेक्ट, जनरली इट हैपेंस विद अस। नेक्स्ट में क्या होगा? अगेन शी इज इन इमेजिनेशन, शी डजंट पे एनी अटेंशन, वो सोचती है कि आई एम रेपुंजल। ये रेपुंजल क्या होता है? आई हैव नॉट अ केयर, मैं किसी का केयर नहीं करूं, केयर फ्री हो जाऊं, आई मस्ट बी केयर फ्री, लाइफ इन अ टावर इज, जहां पे ट्रैंक्विलिटी है, शांति है बिल्कुल, ठीक है, एंड आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर नीचे डाउन नहीं करूंगी। अब सुनो इसका मतलब क्या है, पहले एक कहानी, फेरी टेल है, जर्मनी, जर्मन की फेरी टेल है, जिसमें रेपुंजल नाम की एक लड़की है, ठीक है, स्पिरिट है, फ्री स्पिरिट है, टावर में रहती है, उसको वहां पे एक विच जो चुड़ैल होती है उसने उसको कैद कर रखा है, एंड शी हैज अ लॉन्ग हेयर, उसके बहुत लंबे हेयर है, ठीक है, उस टावर में रहती है रेपुंजल, और वहां पे क्या करती है, क्या है वो, कुछ भी नहीं, बस दैट शी स्टेज देयर, वहां पे शांति है, ट्रैंक्विल मीन्स बहुत ज्यादा पीस होना, ठीक है, और वो केयर फ्री है, उसकी कोई चिंता नहीं, उस टावर में रहती है, ठीक है, उसके जो हेयर है जब नीचे लटका देती है तो जो विच है, जो चुड़ैल है, उस हेयर में चढ़ के ऊपर टावर में आ जाती है वो, लेकिन वो कहती है बट आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन मैं अपने हेयर नीचे नहीं डालूंगी, मीन्स शी इज इमेजिनिंग दैट शी मस्ट बी या शी वर अ रेपुंजल, कि उसकी तरह रहे। तो अगेन द इमेजिनेशन, जो इमेजिनेशन पार्ट है दैट इज इन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में है, इट इज इमेजिनेशन पार्ट, शी इज नॉट पेइंग हीड टू हर मदर। नेक्स्ट चलते हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, फिर से कहती है, सल्किंग होता है मुंह फुला लेना, आप भी फुला लेते होगे मुंह, लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, रूट टूट जाते हैं थोड़ा सा कुछ बोलते ही, है ना, तो कहते हैं मुंह मत फुला, सल्क होता है एक तरीके से, नाराज मत हो, उदास मत हो, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत मूडी हो, एक मिनट में मूड खराब हो जाता है तुम्हारा, है ना, Anyone would think that I nagged at you. हर कोई ये समझेगा कि मैं तो जो ना नैग, नैग होता है बार बार शिकायत करना, कॉन्स्टेंट स्कोल्डिंग, बार बार किसी को डांटना नैगिंग होता है, कि हर कोई, अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कि ये मदर तो जो ना बस जीने नहीं देती, अमांडा का तो जीना मुश्किल कर रखा है इसने, everybody will think that I nag at you. Nag means complaining again and again. That is called nag actually. तो जो ब्रैकेट में है दैट इज इमेजिनेशन, और जो बिना ब्रैकेट है दैट इज इंस्ट्रक्शन ऑफ द मदर एक्चुअली। सो दिस इज अ पोएम, इट्स वेरी सिंपल पोएम, बड़ी सिंपल सी है। इसके वो देखते हैं पोएटिक डिवाइस देखते हैं, एक तो हमने डिस्कस किया मेटाफर था, एक और है जिसको हम बोलेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बता सकता है किसी को, याद एलिट्रेशन क्या होता है? जिसमें कोई स्पेसिफिक लेटर बार बार रिपीट होता है,
बार बार रिपीट होता है। देखो मैं यहां एक शो करता हूं आपको, देखो स्टॉप सल्किंग, कौन सी साउंड बार बार रिपीट हुई? हुई yes. हुई ना, स्टॉप सल्किंग एट वंस। स जो साउंड है वो लगातार रिपीट हो गई, तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एलिट्रेशन। ठीक है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, जो बिगिनिंग में उन्होंने कहा था स्टॉप स्लाउचिंग, तो भी एस एस यानी स साउंड बार बार रिपीट हुई, तो दैट इज एलिट्रेशन। गेटिंग माय पॉइंट? एक और होता है जिसको हम बोलते हैं अल्यूजन, एक और पोएटिक डिवाइस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्यूजन। ये एल्यूजन क्या होता है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन कैरेक्टर, जब किसी कैरेक्टर की तरफ हमारा इशारा होता है। ठीक है, इन्हें दो चीजें यूज करिए यहां पे। एक इन्होंने यूज किया मरमेड, किसी किसी मरमेड की तरह, पानी में कौन रहती है? मरमेड रहती है। और एक इन्होंने बोला रेपुंजल, तो इसको हम बोलते हैं एल्यूजन, एल्यूड करना, किसी से एसोसिएट करना, किसी कैरेक्टर से, हिस्टोरिकल कैरेक्टर से रिलेट करना, उसको हम बोलेंगे एल्यूजन। तो यहाँ पे एल्यूजन हम कहेंगे। ठीक है, रिपीटेशन भी आपको मिलेगा, अमांडा वर्ड हैज बीन रिपीटेड रिपीटेड। मेटाफर भी मिलेगा आपको, गोल्डन, उसने कहा कि साइलेंस इज गोल्डन, तो जो पीस है दैट हैज बीन कंपेयर्ड विद गोल्ड, सो दैट इज metaphor. So these were the we can say poetic devices in this poem. चलिए नीचे देखते हैं इसके questions, अगर हम कर सकते हैं अभी, we have time now. Yes, how do you think Amanda is? How old? आप कितनी बड़ी होगी वो आपके हिसाब से? कितनी बड़ी होगी और आप कैसे इस अंदाजा लगाएंगे? How old? कितनी बड़ी हो सकती है? हो सकती है 35-36 साल की? No sir, 10-12 years sir. कैसे 15 साल? 10-14. Just a kid, बच्ची है तभी तो उसको। हाँ, teenager तो काफी बड़ा हो जाता है बच्चा, लेकिन even you can say कि she is a small child who doesn't who always lives in imagination. Sir, उसकी age ten से 12 year के बीच में हो सकती है। Maybe हाँ, that's correct actually. और How do you know this? तो इसका आंसर ये है कि जिस तरह की हरकतें वो कर रही है, ये उस इसी एज का बच्चा करता है। Second, why? So who do you think is speaking to her? Amanda से कौन बात कर रहा है? Who is talking? Mother, sir. Mother. Her mother is talking. Sir, mother. Why are stanza 2-4-6 are given in parenthesis? Parenthesis करने का मतलब होता है जब हम poem कि कुछ लाइनों को ब्रैकेट्स में डाल देते हैं, तो हम इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं पोएटिक लैंग्वेज के अंदर। पैरेंथेटिकल भी कह सकते हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द पोएम एक्चुअली, दे आर द इमेजिनेशन। वो वर्ड्स कहे नहीं गए हैं, जो वर्ड्स कहे गए हैं दैट इज द पोएम, तो दैट इज व्हाई हम ये कहेंगे कि वो पैरेंथेसिस हैं। फोर्थ देखते हैं, हु इज द स्पीकर इन स्टैंजा 2, 4 एंड 6? कौन है स्पीकर? कौन है स्टेंजा 2, 4, 6 में स्पीकर? कौन है? अमांडा। अमांडा, वेरी गुड। डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टेंजा 1, 3, 5 एंड 7? जो 1, 3, 5, 7 में जो बोल रहा है उसको अमांडा सुन रही है क्या? इज शी पेइंग अटेंशन टू व्हाट हर मदर इज सेइंग? नो, शी इज नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट हर मदर इज सेइंग। She is just lost in her imagination. Fifth, what could Amanda do if she were a mermaid? Mermaid होती तो क्या करती? बताओ क्या करती? बताओ क्या करती? Mermaid होती। हाँ तो करती क्या ये बताओ ना, what she would be doing? She would be playing, she would be क्या कह सकते हैं, swimming in the sea, sea में घूम रही होती है। Second stanza देखो ना, जो parenthesis में है, second stanza में इसका answer है।
सिक्स इज अमांडा एन ऑर्फन, क्या वो ऑर्फन है? नो सर. व्हाई डिड शी से सो? ऐसा व्हाई डिड शी से सो, क्यों कहा उसने ऐसा? सो दैट शी कैन एंजॉय हर लाइफ. शी इज नॉट एन ऑर्फन, शी जस्ट इमेजिन्स बिकॉज हर मदर स्कोल्ड्स हर अ लॉट. हर मदर कीप्स इंस्ट्रक्टिंग हर एंड शी डजंट लाइक इट एट ऑल, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है. दैट्स व्हाई she calls herself orphan, or we can say she imagines that she were an orphan actually. Next seven, do you know the story of Rapunzel? Pata hai aapko kahani? Why does she want to be Rapunzel? To pehle Rapunzel ki story dekhna, maine aapko bata di hai, German fairy tale mein ye kahani hai. Aur wo kyun banna chahti hai Rapunzel? Actually she wants peace, tranquility. She wants to be carefree. और Rapunzel जो थी वो tower के अंदर रहती थी, and she was carefree. There was nobody to tell her anything. There was nobody to instruct her anything. तो वो वहाँ पे peaceful उसमें रहती थी, way में रहती थी, and no care, free थी वो बिल्कुल. She had no responsibility. Eight. What does the girl yearn for? Yearn for होता है किसी चीज की desire करना, इच्छा करना. What does this poem tell you about Amanda? किस चीज के लिए वो, what is she craving for? किस चीज के लिए बड़ी तंग है, परेशान है, बताओ बताओ. Freedom. Yes, very good. बच्चों को यही चाहिए होता है, फ्रीडम ही चाहिए होती है. बाकी कुछ मिले ना मिले, बस फ्रीडम मिले. और ये बच्ची भी ऐसा ही कर रही है, ठीक है. और ये पोएम अमांडा के बारे में यही कहती है कि that she wants freedom and she doesn't like when her mother scolds her, when her mother instructs her. She just want to be free, carefree in her life. She doesn't want to have any responsibility. She doesn't even want to do her homework. She doesn't want to be instructed at any cost, at any time. Ninth है, read the last stanza. Do you think Amanda is sulking and is moody? आपको क्या लगता है कि वो sulking और moody है? Last stanza के हिसाब से मदर ने जब कहा. बिल्कुल है, yes. जब मदर उसको डांट देती है तो वो भी उदास हो जाती है, जैसे शायद आप हो जाते होंगे. Sometimes she is happy, sometimes she is sad. That's why her mother said that she was sulking. तो हम ये कहेंगे कि Amanda is so moody. उसके मन में जो आता है वो करती है, वही इमेजिन करती है. तो शी इज सो मूडी एक्चुअली. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द पोएम. इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस यू कैन टेल मी. कोई अगर कोई और दिक्कत है, डाउट है, तो आप मुझे बताएं. नहीं है, नो डाउट, सो दैट्स फाइन. तो आई विल सेंड इट्स पीडीएफ ऑल्सो, जो कि आप questions, answers, explanation, everything you will find in that, I'm sending to you. ठीक है? Today you will complete the questions and answers. कुछ और doubt है किसी का, जल्दी से बताएं मुझे. No sir. No. सर, question answer की photo click कर